अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी आप दवाई खा लीजिए। यू क्यों फोन कर रहे हैं? दादी हाँ ऑफिस से फोन है। हाँ हाँ बेटा तुम फोन पे बात करो हम दवाई खा लेंगे। हेलो हाँ जी बोलिए क्या हुआ? तुम कहाँ रहती हो? आपको क्यों जानना है वैसे? नहीं मैं ऑफिस जा रहा था सोचा तुम्हें साथ लेता चलूं। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप जाइए हम खुद से आ जाएंगे। माँ ही मेरी बात सुनो ये मुंबई है और यहाँ पे सफर करना बहुत महंगा पड़ता है और अगर तुम ऐसी आती जाती रही ना ऑटो से तो आधी सैलरी उसी में खर्च कर दोगी। अरे आप जाइए हम कर लेंगे सब। अजीब मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए तुम्हारा पता मांग रहा हूँ। घबराओ मत तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। आप चिंता मत कीजिए हम आ जाएंगे। ठीक है वो जी क्या है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे आने के पहले मैं अपने बिजनेस को लेके कितने टेंशन में था लेकिन यहाँ आने के बाद मैं शुभ ने जिस तरह भाई बिजनेस के लिए एक प्रॉपर टीम तैयार की सही लोगों को जमा किया भाई इस बच्चे के हम आभारी हैं हमेशा रहेंगे। हमारा शुभ अपनी मेहनत से ये मुकाम बनाया है और वो बिजनेस को बहुत अच्छे से जानता है। बड़ा होनहार बच्चा है। ऐसे चाचा जी आपके लिए जो हमने टीम हायर की है वो काफी एक्सपीरियंस्ड है और उसका रेपुटेशन हमारे मुंबई में काफी अच्छा है। And I'm sure कि वो आपका बिजनेस भी अच्छे से संभालेंगे तो आप चिंता मत करें। बेटा क्या है कि जब तुम्हारे सपने और तुम्हारी मेहनत की कमाई दांव पे लगी हो तो ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है तुमको। शुभ तुम भी ऐसा ही कुछ काम करते हो ना? हाँ आप सही कह रहे हैं शुभ से भी यही काम करते हैं। तो शुभ तुम खुद ही क्यों ना हमारे साथ पार्टनरशिप करते हो? ट्रस्ट भी रहेगा और हम साथ में आगे भी बढ़ेंगे। जी मेरे कुछ असूल हैं। मैं प्यार को व्यापार से नहीं मिला था और मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता हूँ सो ये नहीं हो सकता। शिव बिल्कुल सही कह रहा है परिवार को और बिजनेस को हमेशा एक दूसरे से दूर रखना चाहिए और ये मेरा भी उसूल है। ये कौन सी बेकार की फिलॉसफी? ट्रस्ट के बिना काम कैसे मुमकिन है? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मतलब बिजनेस जैसे नाजुक मामले में आप परिवार से ज्यादा दूसरों पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? चाचा जी मुझे भी याद आया कि दशहरे के बाद आपका भूमि पूजन है। हाँ बेटा एक बार मेरे काम की नींव पड़ जाए फिर आराम से मैं अमेरिका वापस जाऊंगा। आप जाने की बातें कर रहे हैं? कनिका क्या है कि वहां पे भी बिजनेस है वो तो देखना ही पड़ेगा ना। अब तो तुम लोग परिवार हो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। कभी भी आ सकते हैं फर्क क्या पड़ सकता है। अरे लल्ला जी दादी अच्छा हुआ तुम लोग यहीं मिल गए। क्या हुआ बुआ? वो क्या है बेटा तुम्हारी और शेखर की जब शादी हुई ना तब हमें तुमसे मिलने का सौभाग्य नहीं मिला इसीलिए तो हमारे घर के तरफ से तुम्हें कोई तोहफा नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं बुआ आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है वही हमारे लिए काफी है। पर ये लो हमारे तरफ से। बुआ जी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। शुक्रिया लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि इतना महंगा नहीं है लेकिन हमने प्यार से दिया है तो तुम्हें अच्छा तो लगेगा ही।
देखिए ना कितना जच रहा है मुझ पे। हाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथों के लिए बना हो। आप लोग बातें कीजिए, मैं जिम चलता हूँ। माही ये टिफिन ले जाना याद से, वरना कल की तरह भूल जाओगी। ठीक है भाभी, हम अभी रख लेते हैं। शगुन जी बुआ, वो शेखर के लिए कॉफी बना देना, उसे तुम्हारे हाथ की कॉफी बहुत पसंद है। ठीक है बुआ, बना दे। माही। हाँ भाभी। मुझे पता है तुम लेट हो रही हो, पर क्या तुम ये प्रोटीन शेक शुभ सर को दे दोगी? ठीक है जल्दी से। अपने जज्बात को छुपाने के लिए तुम मुझसे और कितना झूठ बोलोगे शुभ? तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझे अभी भी याद करते हो? इसीलिए तो तुमने मेरी सारी यादें आज तक संभाल के रखी है। तुमने फिर से बकवास करनी शुरू कर दी। हम दोनों अच्छे से जानते हैं ये बकवास नहीं सच है, और इसका सबूत ये ब्रेसलेट। ये तुम्हारा बहुत बड़ा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच और झूठ का अंदाजा लगाना मुझे अच्छे से आता है शुभ, तुम आज भी मुझे भूल नहीं पाए। ये सिर्फ तुम्हारा फितूर है और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को कब का अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक चुका। तुम्हारी कहानी कब की खत्म हो चुकी है। 100 बार बोलने से सच नहीं बदलता अशोक, तुम भी अपने सच को मान लो अशोक। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझे भुला नहीं पाए हो, इसीलिए मैं शायद तुम्हारे इतने करीब हूँ। काजल, क्या कर रही हो तुम? वही कर रही हूँ जो सही है। भैया प्रोटीन शेक। माही, माही अभी जो तुमने देखा वैसा कुछ भी नहीं। भैया ये जानते हुए भी कि भाभी इतनी अच्छी है, आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है माही, दरअसल बात यह है कि से बहुत छोटे हैं, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहेंगे कि इससे पहले कि बात हद से ज्यादा बढ़ जाए, आपको भाभी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूं भाई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर उसे ये सब बताऊंगा पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। ऐसा नहीं है भैया, और नानी कहती थी कि सच छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर होता है, और सोचिए ये बात अगर किसी भी जरिए उनके सामने आया तो उनको कितना बुरा लगेगा। भैया दीदी जी, स्टडी रूम में सफाई करते वक्त ये कुछ फोटोज मिले, शायद आपके कुछ काम के हों। मैं देख लूंगी, आप एक बार लॉन्ड्री देख लेंगे? जी दीदी। थैंक यू। ये तो शुभ सर की कॉलेज की फोटोज हैं।
कौन है? तो ये काजल है? काजल ये सब बनाने में कितना समय लगेगा? बस और थोड़ी देर, तब तक मैं फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। ठीक है। ये भी कनिका, बाकी की सारी तैयारियां हो चुकी क्या? हाँ माँ जी, बस ये साबुदाने के वड़े बना लूँ, फिर मैं दूसरे काम भी कर लूंगी। भैया सोचिए मत, इससे पहले कि देर हो जाए जाइए जाकर भाभी को सब कुछ बता दीजिए। लेकिन देखो, पूजा के पहले सारी तैयारी हो जाए तो अच्छी बात है। अम्मा जी आप क्यों इतनी परेशान हो रही है, जाके आराम कीजिए, मैं सब कर लूंगी। पक्की बात? हाँ हाँ ठीक है। हाथ जल्दी जल्दी चलाना कनिका। नहीं भाई, अभी सभी है उसके पास, बहुत से रूम में सब समझा दूंगा। भैया खुद को रोकिए मत, यह आपके रिश्ते का सवाल है, और वैसे भी नानी कहती थी कि परिवार और प्यार को बचाने के लिए ना हमें वक्त का मोहताज नहीं होना चाहिए। शगुन, मुझे माफ कर दीजिए, सोच के काम नहीं करती हो तुम, मेरी बच्ची को जला दिया, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। क्या हुआ नव्या को? परेशान मत हो बेटा, रुक जा। हे भगवान, बहुत जल रहा है पापा, बहुत जल रहा है। नव्या मुझे माफ कर दो, मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। कितना झूठ बोलती हो ना यार तुम। चुप रहो, मैं अंदाजा भी है कितनी तकलीफ हो रही है मेरी नफिया को। अपने बहाने बाजी ना अपने पास रखो। तुम होश में तो हो, क्या बोल रही हो? मैं तो होश में हूँ अम्मा जी, अपनी चहेती से पूछो। उसने कहा ना कि गलती से हो गया, और कब से बहुरिया माफी तो मांग ही रही है ना। माफ करने से दर्द थोड़ा ना कम हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। हुआ? आपको उसके जले हाथ दिख रहे हैं, शगुन के नहीं दिख रहे? शिव से चुप हो जाइए, मैं ठीक हूँ कुछ। अगर बिना सोचे काम करेगी ना तो ऐसे ही होगा। हुआ, सब गलती से हुआ है, जानबूझ के नहीं किया उसने, कोई एक गलती हो जाती है। वाह भैया, मम्मा सही कह रही, आजकल हमको भाभी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। नव्या ये क्या तरीका हुआ अपने भाई से बात करने का? क्या तरीका? सही तो कह रही हूँ ना दादी,
पहले मुझे खरोश भी आती थी ना तो भैया पूरा घर सर पर उठा लेते थे, और अब मुझे कुछ भी हो जाए, कितना भी लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो नव्या, बस करो। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ दादी। जब से ने पता चला है ना बहन की सगी बहन नहीं हूँ, सोते लोग कितने बर्ताव करते हैं मेरे साथ, अब मुझसे प्यार नहीं करते हैं भैया। नव्या, कुछ भी बोले जा रही है ये लड़की। नव्या, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं सही सोच रही हूँ, ये कोई गलत फहमी नहीं है। अब आपको मेरी कोई अच्छाई नजर नहीं आती, आपको सिर्फ भाभी नजर आती। नव्या, चुप से रहने दीजिए प्लीज। नव्या, मुझसे गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। ठीक है सर, आप बेफिक्र जी। चलती हूँ भैया, आप आराम से जाइएगा। कैसे हैं आप? कोई टाइम आने का? वो क्या नहीं? माई प्लीज, अपने रोज रोज के बाने होटल के बाहर छोड़ के आया करो। इस होटल के कुछ नियम और कानून हैं, कुछ कायदे हैं, वो तुम्हें मानने पड़ेंगे, समझी तुम? और वैसे भी तुम कोई स्पेशल नहीं हो। ये इनको क्या हो गया है? ये तो ऐसे नहीं थे। छोड़ माई, तो बस अपने काम पर ध्यान दो। मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि आखिर ये काजल है कौन, पर कैसे? इंटरनेट पे चेक कर लेती हूँ, जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। एरर क्यों आ गया? मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ। वो एक्चुअली मैं और शुभ सेम ही कॉलेज में पढ़ते थे। चाची जी ने खुद कहा था कि वो और शुभ सर एक कॉलेज में पढ़ते थे, तो उन्हें तो पता होगा कि काजल कौन है। मैं उनसे पूछ लेती हूँ। शगुन क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे चेहरे पे दिख रहा है, कुछ हुआ क्या? दरअसल मैं कुछ पूछना चाहती हूँ आपसे, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पूछूं। आओ या बैठो। देखो शगुन, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए तुम मेरे सामने किसी भी बारे में खुल के बात कर सकते। बताओ मुझे क्या हुआ, आप किसी काजल को जानती हैं क्या?
आपके साथ ही आपके कॉलेज में पढ़ती थी। इस बेवकूफ शगुन को मेरे बारे में कैसे पता और इसे ये सब क्यों जानना है? बताइए ना, आप किसी काजल नाम की लड़की को जानते हैं क्या? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैं तो कॉलेज के किसी काजल को नहीं जानती हूँ। क्यों, तुम्हें कुछ काम था उससे? नहीं, कुछ नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। ठीक। तुम्हें इतना ढूंढने की जरूरत नहीं है शगुन, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं तुम्हें खुद काजल से मिलवा दूंगी। शुभ सर। हेलो, अब कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे फिक्र हो रही थी तो सोचा कि फोन करके पूछूं। आप परेशान मत होइए, काम पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ख्याल रखो अपना। जी, बाय बाय।